अस्सलाम वालेकुम क्लास, आई होप यू ऑल आर गुड। हम लेसन नंबर हमने 4 स्टार्ट किया हुआ था और उसके वर्ड्स मीनिंग वो हो गए हैं क्वेश्चन आंसर। आज हम इसका बुक वर्क करेंगे, वोकैबुलरी। चूज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स। ये जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं इनके करेक्ट मीनिंग्स बताने हैं। इट वॉज सो डेलीकेट सिचुएशन, डेलीकेट सेंसिटिव। अबू जहल बिगेन नॉकिंग एट द डोर वॉलेंटली फोर्सफुली। ही सिंपली पोस्ड अ काउंटर क्वेश्चन दैट इन्फ्यूरेटेड अबू जहल। इनरेज्ड ही रिमेन्ड स्टेडफास्ट एंड did not reveal this secret, steadfast, firm and resolute. Okay, next है जो words के हमने meaning और sentences बनाने थे, ये मैंने बनाए हैं, ये आपको इंशाल्लाह मिल जाएंगे picture की सूरत में। Okay, next part आ जाता है यहाँ पर grammar, abstract noun। वैसे ये हम already कर चुके हुए हैं school में। ओके, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? ये ऐसा नाउन होता है जो कि नेम ऑफ अ क्वालिटी होता है, एक्शन होता है या स्टेट होता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन आर फॉर्म्ड फ्रॉम एडजेक्टिव वर्ब्स एंड कॉमन नाउन्स। ये जो बनता है एडजेक्टिव वर्ब या कॉमन नाउन्स से बनता है, और ये इसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होता है जिसको हम हाथ नहीं लगा सकते, छू नहीं सकते, यानी हमारी सोच हो गई, हमारी कोई क्वालिटी हो गई, कोई काम हो गया, जैसे कि जस्टिस हो गया, हमारी ऑनेस्टी हो गई, इस तरह। एग्जाम्पल, शी फेस्ड एवरी क्लैमिटी ऑफ लाइफ विथ पेशेंस एंड वैल्यूर। पेशेंस एंड वैल्यूर, इसको हम हाथ नहीं लगा सकते, अपने सब्र और तहमुल को हम हाथ नहीं लगा सकते, ये इस तरह होंगे। ओके, फॉर्म एब्स्ट्रैक्ट, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन दिए गए, इनको आपने खुद जो है एडजेक्टिव फॉर्म एब्स्ट्रैक्ट नाउन फ्रॉम द फॉलोइंग एडजेक्टिव एंड वर्ब्स, यूज दिस नाउन इन सेंटेंसेस। इनको आपने खुद से करना है, ये आपका अपना घर का होगा, रफ वर्क कीजिएगा, इनको सेंटेंसेस बनाइएगा। पुट आर्टिकल वेयर रिक्वायर्ड, ये अब दिया गया है इसमें, जहाँ आर्टिकल की ज़रूरत है वहाँ पर आपने आर्टिकल्स लगाने हैं। खुद आर्टिकल्स क्या होता है? इनडेफिनेट आर्टिकल्स होता है अ और एन, डेफिनेट आर्टिकल्स होता है द। ये भी आपका खुद का काम है। प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, इन, में, एट, पर, ऑन, पर, ये मैंने आपको उर्दू का बता दिया। तो इन, ये यूज़ कैसे होता है? इन मंथ्स, यानी मंथ्स, ईयर, सीजन, पार्ट ऑफ द डे या ड्यूरेशन, या कोई टाइम पीरियड हो, कोई ड्यूरेशन हो किसी काम की, उसमें हम इन यूज़ करते हैं। इन जून, इन सितंबर, इन 2011, इन 1999, इसी तरह ये बाकी हो गया। इधर हम प्रपोजिशन इन यूज़ करते हैं इन चीज़ों के लिए। एट, पार्ट ऑफ द डे, दिन के किसी भी हिस्से का, टाइम ऑफ द डे, सेलिब्रेशंस, फिक्स्ड फ्रेजेस, इसमें हम एट, जैसे एट नाइट, एट 8 o'clock, एट मिडनाइट, एट ईद, एट द सेम टाइम। ऑन, ऑन कहाँ यूज़ करते हैं हम? डेज ऑफ द वीक में, डेट में, स्पेशल हॉलीडेज में, अ स्पेशल पार्ट ऑफ अ डे। ऑन संडे, ऑन फ्राइडे, ऑन द 20th of August, ऑन इकबाल डे, ऑन माई बर्थडे, ऑन द मॉर्निंग ऑफ अक्टूबर 11th। ओके, यहाँ पे जो है ये पार्ट मैं आपको करा देती हूँ। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहाँ पे हमने प्रेपोजिशन, जो सूटेबल प्रेपोजिशन है हर सेंटेंस पे वो लगानी है। द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माइग्रेटेड फ्रॉम मक्का टू मदीना इन 622 AD। अबू जहल इन अ फिट ऑफ फ्यूरी हेडेड टुवर्ड्स हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हु होम इन। ही बिगेन नॉकिंग एट द डोर वॉलेंटली। एट दिस ही इंस्टेंटली रैन to a corner of the home. He has resolute firm in Allah Almighty. He gave away all the money to the poor and the needy. Her life would always be a beacon of light for all of us. Okay, ये next preposition of time है, ये आपको पता है कि preposition of time कहाँ कहाँ use होता है, तो ये आपने खुद से कर लेना है, ठीक है। next हम इंशाल्लाह next time अगली translation करेंगे। अल्लाह हाफिज़।